हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे हमारा चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसके बाद इसकी हाफ लाइफ। तो दो टॉपिक हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो हो सके तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी ट्रिक से बताऊंगा और आपको एक बार अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको कभी भी दोबारा ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज समझ नहीं आई है। ठीक है, तो मेरा नाम है दीपक और आपका हमारे इस खूबसूरत से चैनल टेक्निकल स्टूडियो ENGG में स्वागत है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है ये समझना होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि द रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन इज 1, ठीक है, और वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, हमारे रेट के इक्वेशन के। ठीक है, तो उसी चीज को मैं पहले यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखूंगा, फिर मैं इसको मैथमेटिकली बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the rate of reaction is proportional to its first power of concentration of reactant। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी R किसके प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट पावर ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के बराबर। ठीक है, अब इसका आप डेफिनेशन को भूल जाइए, आपको डेफिनेशन लर्न करनी होगी जिससे आप यहाँ पहुंचे। ठीक है, ये आपको पता है तो आप ये लिख लिए, इसके बाद आप इसको भूल जाइए, इस पे ध्यान मत दीजिए। अब इसके बाद क्या होगा कि आपको पता है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई सा भी कॉन्स्टेंट आता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, रेट कॉन्स्टेंट या फिर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के आर की पावर 1, इसको हमने दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन लेता हूँ, रिएक्शन नहीं कह सकते कि एग्जांपल है, ए प्लस ए बी का। ठीक है, तो ए रिएक्टेंट है और बी हमारा प्रोडक्ट है। अब आप देखिए कि एक टाइम पर जब हमारी रिएक्शन शुरू नहीं, यानी कि टी इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर, ठीक है, तब हमारा रिएक्टेंट क्या था, ए 0, और प्रोडक्ट हमारा क्या है यहाँ पे 0। अब इसके बाद क्या होगा कि कुछ देर में जब हमारी रिएक्शन क्या हुई कि शुरू हो गई, यानी कि टी इज इक्वल्स टू टी टाइम पर, यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है, एनी टाइम कभी भी है, मैं उसको टी से सपोज कर रहा हूँ, हमारा रिएक्टेंट क्या हो जाएगा ए टी और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा पी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्शन शुरू होने के बाद हमारा कुछ ना कुछ रिएक्टेंट में तो चेंज आएगा जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर इस चैप्टर के पार्ट 1 की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जब बेसिक बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन बताई थी, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम लिखें तो क्या होता है, आर इज इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे माइनस क्यों है, माइनस इसलिए है क्योंकि जब रिएक्शन हमारी होती है तो रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया। अब इसके बाद क्या होगा कि आपको ये जो R दिख रहा है, ये वाला भी R दिख रहा है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन देता हूँ। अब आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर देता हूँ। तो लिखते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, के आर की पावर 1। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो डी टी दिख रहा है इसको मैं इधर भेजूंगा और आर को इधर भेजूंगा, नीचे लाऊंगा, क्यों, क्योंकि आर वाली जो टर्म है उसको मैं एक तरफ कर लेता हूं और डी टी को उधर भेज देता हूं। ठीक है, तो क्या करते हैं कि क्या होगा, देखिए माइनस डी आर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा हमारा के डी टी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि देखिए दोनों तरफ डी है तो हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, आप देखिए माइनस बाहर कर देते हैं डी आर अपॉन आर, और इधर क्या होगा के बाहर कर देते हैं, यहाँ पे 1 डी टी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ पे जो मैथ्स के स्टूडेंट है उसको तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसके आगे क्या होगा, लेकिन जो यहाँ पे बायो के स्टूडेंट है उनको ये चीज
थोड़ी, क्योंकि उनका इंटीग्रेशन इतना पढ़े नहीं होते हैं तो उनको ये चीज में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ इसको x के टर्म में कैसे लिखेंगे, x के टर्म के x के फंक्शन के फॉर्म में बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बायो वाले ने कहीं पे भी इंटीग्रेशन देखा होगा तो इस फॉर्म में देखा होगा dx, या फिर कभी dy के फॉर्म में देखा होगा, उनने इस फॉर्म में कभी नहीं देखा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ पे dx के फॉर्म में बताता हूँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस वो उसके डिवाइड में था, उसके डिवाइड में उसको थोड़ा अलग से लिख दिया। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, लॉग एक्स की जगह यहाँ पे क्या होगा, लॉग आर। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, यहाँ पर आप ये गलती कभी मत करना कि लॉग मत लिखना, क्योंकि ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में क्या होता है कि आप लॉग नहीं लिखते हैं, सबसे पहले उससे पहले एंटी लॉग आता है हमारा, ठीक है। तो देखिए मैं लिखता हूं क्या होगा, माइनस आई एन आर, ठीक है। ये इसका क्या होगा कि इंटीग्रेशन होगा, बट यहां पर एक चीज आपको पता है कि लिमिट भी होगी, लिमिट तो होगी ना, तो लिमिट कहां से आएगी, यहां से। ये देखिए, ये बताने का मेरा मोटो यही था कि यहां पे लिमिट्स भी लगानी पड़ती है, ठीक है। कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, ए जीरो से एटी, ये देखिए ए जीरो से एटी, और यहाँ पे क्या होगा जीरो टू टी, जीरो से टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के तो बाहर रहेंगे, टी में टी इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसको इसको रफ करता हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप खुद से इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और आप अगर मेरे पूरे वीडियोस के लेक्चर देखेंगे तो आपके ऐसे नोट्स बन जाएंगे, एग्जाम में आपको कोचिंग तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे, तो हम देखते हैं इसके बाद क्या होगा। ये जो हमारी इक्वेशन दिखी है इसको मैं यहां पे लिखता हूं, और अब यहां पे लिमिट कैसे सॉल्व होगी, अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो अपर माइनस लोअर किस तरीके से होगी, दिखा माइनस बाहर रहेगा, यहां पे क्या होगा आई एन, अपर क्या एटी, ये लिखिए हमने at माइनस आई एन ए जीरो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ब्रेकेट वन, इधर क्या हो जाएगा k t माइनस जीरो, अपर माइनस लोअर। अब इसके बाद क्या होगा, किसका ब्रेकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आई एन ए टी, वो भी माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस आई एन ए जीरो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आप देखिए, इसके बाद क्या होगा कि मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, इसको पीछे कर देता हूँ, आई एन ए जीरो को आगे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आई एन ए टी इधर लिख दिया, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा के टी। अब इसके बाद यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी लगेगी, लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कि आपने एक चीज देखा होगा, कभी भी आपने कहीं पे भी देखा होगा कि जब लॉग ए माइनस लॉग बी होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, लॉग ए अपॉन बी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए आप आई एन ए जीरो अपॉन ए टी, ठीक है, फिजिकल्स टू के टी। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आता है। अब जो हमारे लॉग एंटी लॉग की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2.303 लॉग होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एंटी लॉग को रिप्लेस करके क्या लिखता हूँ, 2.303 लॉग ए जीरो अपॉन ए टी, ठीक है, फिजिकल्स टू के टी, है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि 2.303 को इसके नीचे भेज देता हूँ, तो क्या होगा log a0 upon a t is equals to, क्या होगा यहाँ पे आप देखें, kt upon 2.303। आप देखिए यही हमारी फाइनल जो है आंसर है, यही हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से इसको बंद कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे, इसकी हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे, और जब आपका ये ग्राफ जो है बनाएंगे उसके बाद हम इसकी हाफ लाइफ को देखेंगे, ठीक है। ग्राफ बनाना इसलिए जरूरी क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ कि जो चीजें लिखी है इसका मतलब क्या है। पहले तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है, फिर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप उधर का लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारा ये लिखा हुआ है A0, A0 का मतलब क्या है, तो A0 है हमारा यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद हमारा AT क्या है,
फाइनल कंसंट्रेशन, या फिर हम इसको और कह सकते हैं रिएक्टेंट एट एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब ये है कि जब हमारी रिएक्शन किसी समय पर हुई थी, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि K इज इक्वल्स टू क्या है, रेट कांस्टेंट, और T इज इक्वल्स टू टाइम आपको पता है। तो ये चीजें यहां पर जो लिखी है वही मैंने ये इस टर्म को यहां पे बताया। अब इसके बाद मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, तो ग्राफ कैसे बनेगा ये देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, देखिए आप इसको, मैं इस इक्वेशन को अगर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो क्या होगा कि जो हमारा ये दिख रहा है पूरा, ये क्या हो जाएगा वाई, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए के अपॉन 2.303, और इसका एक्स क्या है यहाँ पर टी ए, और यहाँ पे इंटरसेप्ट पॉइंट नहीं है। अब इंटरसेप्ट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा आप देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। आपने इसके पहले वाले वीडियो में क्या देखा था कि जो हमारे जीरो ऑर्डर में था हमारा स्लोप नेगेटिव था, तो हमारा ग्राफ कैसा बना था ऐसा। बट इसमें कैसा ग्राफ बनेगा हमारा, इंटरसेप्ट पॉइंट जो है वो जीरो है, तो यहाँ पर से बनेगा देखिए आप ग्राफ ऐसा बनेगा, और ये स्लोप कितना हो जाएगा के बाय 2.303, और यहाँ पर क्या होगा हमारा log a 0 टू ए टी, ठीक है इस तरीके से। और यहाँ पर टाइम, ये हमारा कौन सा एक्सिस है y एक्सिस है, ये हमारा क्या है x एक्सिस है। इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। अगर आपने एग्जाम में ये लिखा और ये ग्राफ बना दी ना, तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम में तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई भी एक भी मार्क्स इसके कट नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे किसी भी बोर्ड से, आइदर सीबीएसई बोर्ड, आइदर एमपी बोर्ड, और कोई से भी स्टेट बोर्ड से हो, इस चीज़ से अब अगर आपने लिख दिया आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारी इसकी हाफ लाइफ पे। तो सबसे पहले मैं इसी चीज़ को, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को यहाँ पर लिख के इसकी हाफ लाइफ बताऊंगा किस तरीके से होती है, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। पहले आप इससे सॉल्व करना सीखे, इसको अगर सॉल्व करना सीख गए ना आप तो बिल्कुल ईजी है। और यहाँ पे एक मैं फैक्ट बताऊंगा कि क्वेश्चंस जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं पूछते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सॉल्व करो, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन घुमा के ही पूछ सकता है, तो आप उसके लिए तैयार है ना, वो मैं चीज आगे बताने वाला हूँ। तो मैं इसको फटाक से रफ करता हूँ, देखिए आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा आपने वैसे तो। देखिए आप, मैं इतनी सी जगह में हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ग्राफ में बना रहने देता हूँ। आप देखिए इतनी सी जगह में हो जाएगा, आप देखिए कि जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग ए जीरो ए टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू के टी 2.303, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो हमारा ए टी है, ठीक है, ए टी को हमें रिप्लेस करना है किससे, ए जीरो बाय टू से, और जो यहाँ पे टी दिख रहा है इसको रिप्लेस करना है टी 1/2 से। देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग ए जीरो में क्या होगा ए जीरो बाय टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू के और टी 1/2, और यहाँ पे 2.303 होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2, तो क्या होगा log 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे के टी 1/2, और यहाँ पे 2.303। अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि जो हमारा ये 2.303 है इसको यहाँ वापिस भेजता हूँ, ठीक है, 2.303 log 2 के T1/2। अब इसको मैंने जैसा पहले किया था कि इसको एंटी लॉग में से लॉग में कन्वर्ट किया था, मैं इसको वापस लॉग उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ कि इसमें हमारे एंटी लॉग में, तो आप क्या होगा इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्या होगा 2, क्यों, क्योंकि मैंने 2.303 को रिप्लेस करके क्या लिख दिया एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग 2 इज इक्वल्स टू के टी की पावर 1/2, और जो एंटी लॉग 2 की वैल्यू वो क्या होती है 0.693, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं हटा के थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए आप 0.693 इक्वल्स टू क्या होगा के टी 1/2, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे के को हटा के इसके नीचे कर दूँ 693 के इक्वल्स टू टी 1/2, हाफ लाइफ हमारी ये आई। अब इसके बाद क्या होगा कि मैं यहाँ पे आपको बार बार बोल रहा था कि क्वेश्चन के ऊपर ध्यान क्यों दे रहा था, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि सीधे सीधे नहीं पूछता है, सीधे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। ये कहता है कि प्रूव दैट दी हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा हाफ लाइफ है रिएक्शन का वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको वहाँ पे समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप पहले से आपको नहीं पता तो आप वहाँ एग्जाम में जाओगे तो समझ नहीं आएगा कौन से ऑर्डर के लिए हमें यहाँ पे हाफ लाइफ जो है प्रूफ करनी है, या फिर आपको वहाँ तक हिंट ही नहीं मिलेगा कि हमें इसमें हाफ लाइफ भी प्रूफ करनी है,
ये आप सोचोगे कि यहाँ पे कुछ और पूछा हुआ तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, छोड़ दो। बट वहाँ पे क्या पूछा है कि हमें क्या प्रूफ करना है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो हमारा हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ और इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर देंगे। और इसके बाद की जो वीडियो अरहेनियस इक्वेशन पे आने वाली है उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत ईजी वे में अरहेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना बताऊंगा, या फिर हम कह सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द हाफ life of a reaction is the time in which the concentration of reactant is reduced to one half of its initial concentration। ठीक है, और यहां पे हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय t इज इक्वल टू 1/2 से। ठीक है, तो वही जो चीजें मैंने आपको बताई वही मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये आंसर निकालते बनता है, इससे कर सकते हैं कि आप हाफ लाइफ इसकी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बस क्या करना होता है आपको, फिर से मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ए जीरो को हमें, सॉरी ए जीरो नहीं, ए टी को हमें रिप्लेस करना होता है ए जीरो बाय टू से, और टी को रिप्लेस करना होता है टी 1/2 से, बाकी कुछ भी नहीं है हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये बहुत ईजी शॉर्ट ट्रिक है। तो आई होप आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसी एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।